रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार झटपट सी तैयार होने वाली कढ़ाई लेके आई हूँ। ये कढ़ाई जो है वो प्याज के बगैर बनती है और बहुत जल्दी जो है वो बन जाती है। जैसे कि आपके कोई गेस्ट आ जाएं और आपको फ़ौरन समझना है कि आप क्या बनाएं, तो आप ये चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो मुझे इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और फीडबैक अपना देते रहें। आइए चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 kg मैंने चिकन लिया है, ठीक है, और ये बेबी चिकन है क्योंकि यहाँ पे बेबी चिकन मिलता है, तो ये बेबी चिकन मैंने लिया है 1 kg है। 2 मैंने जो है बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, ठीक है, इनको क्यूब्स में काट लिया है। जिंजर गार्लिक मैंने पेस्ट बना ली है इसको अच्छी तरह क्रश करके। मैंने जो है वो 1/2 बाउल जो है योगर्ट लिया और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1/2 मैंने लेमन लिया और उसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और 3 से 4 आप बुलेट मिर्च यूज कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें, मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं। 1/4 जो बंच था वो मैंने धनिया का लिया है और ये गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। स्पाइसेस के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए नमक जो है वो हद पे ज़रूरत है। मैंने वैसे 1 teaspoon जो है नमक लिया है, और रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने 1/2 teaspoon ली है। लाल मिर्च, साबर लाल मिर्च जो है वो मैंने 1/2 teaspoon ली है, और 1/2 teaspoon मैंने हल्दी ली है, और 1/2 teaspoon ही मैंने जो है वो कोरिएंडर पाउडर लिया है, और 1/2 कप मुझे जो है वो ऑयल चाहिए होगा। कढ़ाई में मैंने चिकन डाला है और इसमें मैं जो है अब टमाटर डाल दूंगी। टमाटर के साथ ही जो है वो अदरक लहसुन की पेस्ट वो भी शामिल कर देंगे। और जितने भी हमारे मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। और इसमें जो है मैंने अभी बिल्कुल पानी नहीं डाला, तो अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपने थोड़ा सा पानी डालना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जो है कवर करके पकने के लिए रख देंगे। टमाटर भी पानी छोड़ेंगे तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा जो है पानी नहीं डालेंगे। अच्छा, अब 10 मिनट्स हो गए हैं, तो अब चेक कर लेते हैं कि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हुआ है कि नहीं। ये थोड़ा सा चिकन अभी है, तो अभी हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। टमाटर देखें आप गल चुके हैं, पानी छोड़ चुके हैं, और मैंने इसमें बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया था, बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रेवी बन चुकी है। अब मैं इसमें जो है ऊपर से ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जो है वो आप 1/2 कप ले सकते हैं। अच्छे से भून चुका है और मैंने इसको 10 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी और 5 मिनट और भून लूँगी। चिकन जो है वो अच्छे से भुन चुका है और अब मैंने लो फ्लेम कर दिया है, तो अब मैं इसमें जो है लेमन के स्लाइसेस भी शामिल कर दूँगी और बिल्कुल इसको जो है कवर करके थोड़ी देर और पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो इसकी खुशबू है। और चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है, जो ग्रेवी है वो भी ऑयल छोड़ चुकी है। अब मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और अब मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्मा आप इसको सर्व करें,
और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.